क्लास टेंथ 27 मार्च को जो एग्ज़ाम साइंस का हुआ है, आज हम उसका आंसर देखेंगे एमसीक्यूज़ का। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिरर हैज़ आर रियल फोकस, तो विच मिरर हैज़ रियल फोकस, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिरर इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल के फ्रंट में अगर यूज़ हो रहा है तो वो कॉनकेव होगा, अगर साइड व्यू मिरर के होता तो कॉन्वेक्स होता। अगला क्वेश्चन है इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डाइप्टर वट इज़ इट्स फोकल लेंथ, जब -2 डाइप्टर है तो पी इज इक्वल टू 1/f यानी पावर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/-2 डाइप्टर, ये मीटर में होता है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, एफ इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स हैज़ द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेनोमेनन ऑफ लाइट अकर्स बाय प्रिज्म, प्रिज्म से प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द यूज ऑफ विच लेंस इज आई डिफेक्ट ऑफ प्रेस बायोपिया करेक्टेड, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया जिसे होता है उसे बायफोकल लेंस का यूज करके हम हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट कलर इज द डेंजर साइन मेड ऑफ, तो डेंजर साइन किसका होता है, रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर और वोल्ट को वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ 120 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड फॉर 1 मिनट थ्रू अ बल्ब, एक बल्ब से 120 कूलम्ब चार्ज को पास कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो कूलम्ब इज इक्वल आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी यानी ये कूलम्ब पर सेकेंड में होता है, तो आई कितना होगा कूलम्ब 120, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 2 एम्पियर, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3×10⁶ जूल। 12 नंबर द डिवाइस टू गेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट बिकम्स वेरी हाई, इस कारण शॉर्ट कट सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड बाय, एसिड ऐड करेंगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा और रेड से अगर हमको ब्लू करना है तो हमको बेस डालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, ऑप्शन है CH3COOH, HNO3, NaCl, NaOH, तो ये भी एसिड है तो ये बेस होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4×2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन द इक्वेशन, CaCO3 को जब हीट कर रहे हैं तो CaO+CO2 हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होता है जब हम कोई एक उसमें डिफिनेट कोई एक कंडीशन होता है अप्लाई, जैसे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे हीट होगा तभी ये टूटेगा। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज इमिटेड ऑन एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलती दिया हुआ था कि यहाँ पे कैथोड दे दिया है हिंदी में और यहाँ पे एनोड दिया हुआ है, तो इंग्लिश को ज़्यादा मायने दिया जाता है इसलिए यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो ये O2 हो जाएगा और अगर हिंदी से देखते हैं तो H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया के लिए रेडॉक्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, CuFeAlZn, तो यहाँ पे Ag होता है यानी सिल्वर, लेकिन सिल्वर अगर नहीं है उसके बाद रिएक्टिव जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है कॉपर, तो यानी Cu होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर इज अ मेटल नन मेटल मिक्सचर मेटलॉइड, तो सल्फर क्या है, एक नन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन द अलॉय ऑफ लेड एंड टीन इज कॉल्ड, जो अलॉय होता है शीशा और टीन का उसे क्या कहते हैं, तो सोल्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अगला क्वेश्चन है जनरल फार्मूला CnH2n+2 इज फॉर, तो ये एल्केन के लिए है। अगला क्वेश्चन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज, OH होता है अल्कोहल के लिए तो ये CHO होगा। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम टू फॉर्म विच गैस, तो एथेनॉल रिएक्ट्स करता है सोडियम से तो कौन सा गैस निकलता है, तो वो H2 होगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज CO2 एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस क्योंकि यह सारा ही जरूरी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, तो बाइल जूस पेनक्रियाज द्वारा सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो होता है पिट्यूटरी होगा यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिया है जिसके हिसाब से हम इंडोक्राइन ग्लैंड को मारें। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइटर डिजीज डेवलप्स ड्यू टू, आयोडीन डिफिशेंसी से हो जाता है ये हमारा गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाउंड इन एंथर, एंथर यानी पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली पराग कौन पाए जाते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हुमेन, तो ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, हम फेनोटाइप जीनोटाइप रेशियो में निकालते हैं जैसे कि मेंडल ने बताया था उसमें। विच सेक्स क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन अ वुमन, वुमेन में XX पाए जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन काउजिंग केमिकल इज DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइगर इज अ कंज्यूमर ऑफ, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट में आते हैं प्लांट्स यानी वो जो होते हैं प्लांट्स, और सेकेंड में होते हैं हार्वीवोर, और थर्ड में फर्स्ट कार्निवोर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल कार्निवोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैन वाज चिपको मोमेंट स्टार्टेड, तो ये 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम वाइंड वेलोसिटी टू गेट यूजफुल एनर्जी फ्रॉम द वाइंड मिल शुड बी 15 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनर्जी, व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, पहले इसको बांध में बंद करके रखते हैं फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।